अमरोहा के सैद नगली कस्बे में बीजेपी के गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व जनरल वीके सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहली सरकारों में लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलता। अमरोहा के सैद नगली कस्बे में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व जनरल वीके सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली सरकारों में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, अब मोदी जी बटन दबाते हैं और लाभार्थियों के खाते में लाभ पहुंच जाता है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी और मौलाना तौकीर रजा पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि अमरोहा में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व जनरल वीके सिंह ने लाभार्थियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी और मौलाना तौकीर रजा और ओवैसी पर भी निशाना साधा। वीके सिंह ने राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर कांग्रेसियों द्वारा सत्याग्रह बताए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी समझदारी की बातें नहीं करते, आप सभी जानते हैं। अगर उनको पेश होना था तो कार्यकर्ताओं को ले जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा द्वारा जुम्मे की नमाज के बाद बार बार आंदोलन की धमकी दिए जाने पर कहा कि नाम के आगे मौलाना लिख जाने से हर आदमी मौलाना नहीं होता, उसके लिए अमाल अच्छे होने भी जरूरी होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज इबादत के लिए होती है, आंदोलन के लिए नहीं, इसलिए ये सही नहीं है। आए हैं और एक हम लोगों की एक योजना है कि लोग बाग बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो ये 8 साल जो सरकार ने काम किया है केंद्र से, वो लोगों को बताने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए अपनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी वो समझदारी की चीज़ नहीं होती। अगर आपके खिलाफ केस है तो आप जाके उसमें बैठिए, उसमें पार्टी के लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत है। और नेशनल हेराल्ड का केस कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बरेली के मौलाना है तौकीर रजा, बार बार जुम्मे की नमाज के बाद आंदोलन की धमकी देते हैं, क्या कहेंगे? जुम्मे की नमाज श्रद्धा के लिए होती है, ना कि आंदोलन करने के लिए। मैं यही कहूँगा कि अपने धर्म को पहले पढ़ लें। मौलाना सिर्फ मौलाना कहने से नहीं बनता, धर्म को पढ़ें। धर्म बहुत इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी इसलिए आए क्योंकि बहुत सहनशीलता थी उसके अंदर। जुम्मे की नमाज के बाद जो आंदोलन हो रहे हैं, जो उसमें सरकार अपना एक्शन लेगी, उसमें कम उम्र के लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि कोई संगठन ब्रेन वॉश कर रहा है? ब्रेन वॉश कोई नहीं कर रहा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर ठाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, ओवैसी साहब भी अपनी वोट के लिए बात करते हैं तो उस पर टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने किसानों की तरफदारी करते हुए आंदोलन की धमकी दी है, क्या कहेंगे? वो थे ना गवर्नर, अभी भी हैं। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, जब आदमी सब चीज़ों से हट जाता है, लोग बाग उसकी कुछ नहीं पूछते। और मैं तो आपको कहूँगा, चरण सिंह जी के बयान पढ़ लीजिए, उनके बारे में अपने आप चीज़ें साफ हो जाएंगी। चुनाव है रामपुर में और आजमगढ़ में, क्या लगता है? देखिए, चुनाव चुनाव होता है, सब लोग अपनी ताकत उसके अंदर डालेंगे। आजम खान ने कहा था कि मैं एक दिन देखा विधानसभा में किसी विधायक का सिर नहीं उठा। अरे देखिए, ऐसा है, ये फालतू की बातें हैं, इनके ऊपर कोई टिप्पणी करनी जरूरी नहीं है। इमरान मसूद ने कहा, जिसको जो करना है, देश के अंदर कानून का दायरा बहुत बड़ा है, उसके अंदर। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अमरोहा शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो, हसनपुर के विधायक महेंद्र खड़कवंशी, धनौरा के विधायक राजीव तरारा, भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।